आज का मेरा टॉपिक हर एक वीमेन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है जानना हर वीमेन के लिए। मेरा टॉपिक है सैगिंग ब्रेस्ट एंड हाउ टू चूज़ परफेक्ट ब्रा फॉर ए सैगिंग ब्रेस्ट। फर्स्ट ये जानना जरूरी है कि सैगिंग ब्रेस्ट होता क्या है। एक्चुअली सैग मतलब जब हमारी ब्रेस्ट अपनी प्लेस से नीचे की साइड गिरना स्टार्ट होती है तो उसे बोलते हैं सैगिंग। और सैगिंग ब्रेस्ट का सबसे मेन रीज़न होता है एज, लेकिन कुछ और फैक्टर भी हैं जो हमारी ब्रेस्ट को टाइम से पहले सैग कर देते हैं। इसमें एक तो है हार्मोन्स की प्रॉब्लम, एक बहुत ज़्यादा अगर हम वेट सडनली हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ के और बहुत ज़्यादा कम होता है तो भी हमारी ब्रेस्ट सैग हो जाती है। थर्ड जो मेन रीज़न है वो है आफ्टर प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग, उस टाइम भी हमारी ब्रेस्ट सैग हो जाती है। फोर्थ रीज़न है हमारा, हमें राइट ब्रा चूज़ नहीं करना, या अगर हम गलत तक अपनी ब्रा पहनते हैं साइज तो भी थोड़े टाइम के बाद हमारी ब्रेस्ट सैग होना स्टार्ट हो जाती है। और जो फाइव जो सबसे बड़ा मेन रीज़न है वो है बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये कारण भी है ब्रेस्ट को सैग करने का टाइम से पहले। तो 25 प्लस हमको सैगिंग ब्रेस्ट की प्रॉब्लम 25 प्लस आना स्टार्ट हो जाती है। हम राइट साइज, राइट ब्रा और कौन सी ब्रा हमारे लिए बेस्ट है सैगिंग ब्रेस्ट के लिए, तो उसके लिए पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम आजकल जब जाते हैं ब्रा खरीदने या ऑनलाइन कहीं स्टोर में जब ब्रा देखने तो लाखों मतलब ब्रा के ऑप्शन आते हैं, बैकलेस ब्रा, डीप नेक ब्रा, स्पोर्ट्स ब्रा और ब्ला ब्ला ब्ला, मालूम नहीं सिंपल ब्रा, टी शर्ट ब्रा, और मतलब इस हम कौन सी चूज़ करें, मीन्स सैगिंग ब्रेस्ट के लिए अगर हमको चाहिए तो कौन सी ब्रा। सैगिंग ब्रेस्ट के लिए सबसे बेस्ट ब्रा होती है पुशअप ब्रा, या पुशअप ब्रा जैसे आप नाम से ही है पुशअप, मतलब उस चीज़ को पुश करके वो अपने सही प्लेस पे दिखाती है तो पुशअप ब्रा। तो अब आप बोलेंगे पुशअप ब्रा ओके हम खरीद लेते हैं, बट पुशअप ब्रा में भी क्या होता है जब आप जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, जैसे कि वायरलेस, वायर के साथ वायरलेस, और सेकंड पैडेड, नॉन पैडेड, थर्ड मीडियम कवरेज, लो कवरेज, हाई कवरेज और पैडेड नॉन पैडेड, तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं इस वीडियो में आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। तो मेरे पास कुछ ब्रा है, मैं आपको दिखा के अच्छे से समझा सकती हूँ। तो ये सब पुशअप ब्रा है, ये देखिए, फर्स्ट दिखाती हूँ मैं आपको क्या होती है पुशअप ब्रा। तो ये है पुशअप ब्रा, ये देखिए। अब फर्स्ट पैडेड और नॉन पैडेड मैं बता देती हूँ क्या होता है। पैडेड जिसमें पैड लगे होते हैं, और ये है नॉन पैडेड जिसमें पैड नहीं होते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है, एक्चुअली पैडेड उनके लिए होती है जिनके स्मॉल ब्रेस्ट हैं या मीडियम साइज के ब्रेस्ट हैं। 36 वाले ब्रेस्ट वाले पैडेड ब्रा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 36 के बाद आपको नॉन पैडेड ब्रा यूज़ करनी है। तो ये दो क्लियर हो गए हैं, पैडेड और नॉन पैडेड। अब सेकंड होता है कि कवरेज, लो कवरेज, मीडियम कवरेज, हाई कवरेज। तो लो कवरेज जो होती है वो बहुत डीप, अगर हमने नेक का कुछ ड्रेस पहनी है तो उसके लिए होती है, जो नॉर्मली हम लोगों के काम नहीं आती है इंडिया में। और बाकी बचा मीडियम और हाई कवरेज। तो मीडियम उनके उन लोगों के लिए होती है जिनके मीडियम साइज के वो हैं, ब्रेस्ट है, उनके लिए अच्छी रहती है। और हाई कवरेज उनके लिए जिनके हैवी ब्रेस्ट है, तो उनको हाई कवरेज ब्रा पहननी चाहिए। ये देखिए, ये हाई कवरेज है और ये मीडियम कवरेज है, ये मीडियम कवरेज है, ये आपके ब्रेस्ट के हाफ कवर करेगी और ये आपकी ब्रेस्ट को फुल कवर करेगी। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया है। थर्ड, वायरिंग और नॉन वायरिंग। वायरिंग और नॉन वायरिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये देखिए, इसमें वायरिंग है, यहाँ एक कुछ तार सा दिया होता है वायरिंग। इसका क्या बेनिफिट होता है, जैसे वायरिंग कोई चीज़ नीचे जब वो चीज़ के जाती है तो उसको फुल अच्छे से सपोर्ट करती है, तो और पुशअप दिखाती है। बट डॉक्टर रेकमेंड करते हैं डेली यूज में हमको वायरिंग की नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म ये साइड इफेक्ट देती है। तो अगर आप घर के लिए डेली यूज़ के लिए चूज़ करें तो नॉन वायरिंग यूज़ कीजिए। जैसे ये नॉन वायरिंग है, इसके यहाँ पे वायरिंग नहीं है, आप देख सकते हैं ये वायरिंग नहीं है। तो घर के लिए डेली यूज़ के लिए ये बेस्ट रहती है नॉन वायरिंग, लेकिन अगर बाहर आप किसी ओकेजन के लिए या कोई अपनी स्पेशल ड्रेस के लिए, तो आप वायरिंग वाली ये चूज़ कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी आती हैं, जैसे आप देख सकते हैं नेट की डिज़ाइन है, और ये फ्रंट ओपन है, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो तो ये फ्रंट ओपन वाली अच्छी रहती है। और ये बैकलेस डिज़ाइन,
वो आप अपने अकॉर्डिंग मनी के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। एक्चुअली 300-400 से स्टार्ट हो जाती है और 1500-2000 तक की भी ब्रा आती है एक, टॉप शोल्डर के लिए और स्पेगेटी टॉप के लिए अच्छी है। ये भी पुशअप ब्रा है लेकिन ये और बहुत अच्छी क्वालिटी है। इसका जो फैब्रिक है वो एकदम ऐसे है जैसे फिट फिट हो जाता है। तो ये सब पुशअप ब्रा हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा कि सैगिंग ब्रेस्ट के लिए पुशअप ब्रा बहुत अच्छी होती है। और पुशअप ब्रा में जो ऑप्शन होते हैं, फर्स्ट की वायरिंग या नॉन वायरिंग, सेकंड पैडेड नॉन पैडेड, थर्ड कवरेज, तो ये तीनों मैंने क्लियर कर दिया है। बाकी ब्रेस्ट सैगिंग हम रोक तो नहीं सकते हैं ये चीज़ को, लेकिन अगर हम इसको चाहें तो लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करके रख सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक सिंपल एक्सरसाइज बताती हूँ। ये वाली एक्सरसाइज आप डेली कीजिए, 30 times ऐसे घुमाइए, 30 times ऐसे घुमाइए, इससे आपकी ब्रेस्ट लॉन्ग टर्म तक अच्छी बनी रहती है। और एक स्ट्रेच कीजिए अपने हैंड को इस तरह ऊपर की साइड जितना कर सकते हैं, और 5 तक काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, और फिर सांस को ब्रीथिंग को छोड़ के नीचे हैंड कर लीजिए। और एक मेरा वीडियो मैंने ब्लॉग बनाया था, अगर आपने ये बना लिया तो दिल खुश हो जाएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। वो जेल बनाकर अगर आपने 15 दिन भी ब्रेस्ट पे अच्छे से उसको मसाज किया तो आप खुद ही आप डिफरेंस फील करेंगे कि 15 दिन में ही वो आपकी ब्रेस्ट को कितना अच्छा फर्म कर देता है। कोई भी गारंटी नहीं लेता है, लेकिन मैं उस जेल की गारंटी लेती हूँ। अगर आपने बना के उसको यूज़ किया तो पक्का आपको आपके ब्रेस्ट में डिफरेंस पता लगेगा। तो कैसी लगी मेरी ये छोटी सी वीडियो, एक्चुअली अवेयरनेस वीडियो है। तो राइट ब्रा एक वीमेन का कॉन्फिडेंस को पूरी तरह बढ़ा सकती है। तो राइट ब्रा चूज कीजिए और अपने आप को, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए। और प्लीज़ अच्छा लगे हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। एंड लाइक एंड शेयर एंड जुड़े रहिए। माय स्मॉल वर्ड फॉर यू से थैंक यू सो मच, बाय।